इसमें जो भी आवश्यक सेवाएं हैं, जैसे स्वास्थ्य और चिकित्सा की हैं, आवश्यक आपूर्ति की सेवाएं हैं, जो भी इसमें कार्य करने वाले हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, उनके लिए ये प्रतिबंध नहीं होगा। डोर स्टेप डिलीवरी के लिए प्रतिबंध नहीं होगा, स्वच्छता कर्मियों के लिए प्रतिबंध नहीं होगा। ये सब लोग काम अपना यथावत करते रहेंगे, कोई इनको रोकेगा नहीं। रेलवे का आगमन शुरू है, कुछ निर्धारित ट्रेन्स अपने समय से चल रही हैं। रेलवे के आवागमन के लिए जो भी यात्री आ और जा रहे हैं, उनके लिए कोई कठिनाई नहीं होगी, वो उनको अनुमति होगी। और राज्य सड़क परिवहन निगम यह इंश्योर करेगा कि रेल के स्टेशन से लोगों को घर तक जाने और आने की व्यवस्था की जाए। इसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें और जो डोमेस्टिक फ्लाइट्स हैं, उन पर भी प्रतिबंध नहीं होगा, वो यथावत रहेंगी और उनके यात्री एयरपोर्ट तक जा भी सकेंगे, आ भी सकेंगे। मालवाहक सामान आवाजाही पर कोई रोक नहीं रहेगी। इसके अलावा 10, 11 और 12 तारीख को पूरा एक जो स्वच्छता और सैनिटाइजेशन का अभियान है, स्वच्छ पेयजल आपूर्ति का अभियान है, इसको भी बड़ी मजबूती से जो है इसका क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा। पंचायती राज विभाग द्वारा एक आदेश इसी क्रम में पहले ही जारी कर दिया गया है, जिसमें हर नगर निगम के हर वार्ड में 10 तारीख को, 11 तारीख को और 12 तारीख को जो ठोस अपशिष्ट है, यानी सॉलिड वेस्ट है, उसकी प्रोसेसिंग के डंपिंग स्थल तक कितने ट्रक की संख्या है, वो संख्या प्रति नगर निगम विवरण लिया जाएगा, जिससे कि ये इंश्योर किया जाए कि हर नगर निगम से ज़्यादा मात्रा में ट्रकों से कूड़ा जो है निर्धारित स्थल पर डाल दिया जाए, फेंक दिया जाए। इसके अलावा जो क्षेत्र पंचायत हैं, ग्राम पंचायत हैं, उनमें भी इस अभियान में कुल कितने कार्मिक लगाए गए सफाई के लिए, यदि किसी ग्राम पंचायत में 100 लोग लगाए गए तो वो संख्या कितनी है, 10 तारीख कितनी, 11 तारीख कितनी, 12 तारीख को, ये भी विवरण लिया जा रहा है। एंटी लार्वा छिड़काव हुआ कि नहीं गांव में, अपशिष्ट यानी वहां से कूड़ा उठाया गया कि नहीं, क्या गांव में विशेष सफाई अभियान लगाया गया कि नहीं, ये हर गांव की सूचना पूरे प्रदेश में मंगाई जाएगी और इसके लिए पंचायती राज विभाग नोडल डिपार्टमेंट नियुक्त किया गया है और ये भी अभियान बहुत तेजी से चलाए जाने का निर्देश मुख्यमंत्री जी ने दिया है। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इस 3 दिन के अभियान में अगर मजबूती से सफाई का, स्वच्छता का, पेयजल आपूर्ति का, एंटी लार्वा ट्रीटमेंट का, बाकी संचारी रोगों के नियंत्रण का, इसके साथ साथ मुख्यमंत्री जी ने ये भी आदेश दिया है कि सर्वेलेंस भी किया जाए, जहाँ मेडिकल टीम्स गई हैं स्वास्थ्य विभाग की, वो डोर टू डोर जो है सर्वे भी इसमें एक अभियान के रूप में करें। लगभग 1 लाख से ज़्यादा टीमें पूरे प्रदेश में हैं, तो इन टीमों को आगे प्रोत्साहित करें। इन टीमों को ये आदेश दिया गया है कि इन 3 दिनों में एक विशेष अभियान भी चलाएं। इंडस्ट्री को बंद नहीं किया जाएगा, चाहे वो इंडस्ट्री शहर की हो चाहे देहात की हो, इंडस्ट्री को बंद नहीं किया जाएगा। विशेष रूप से जो कंटिन्यूअस इंडस्ट्रीज हैं, उनमें किसी भी तरह का कोई प्रभाव नहीं होगा, सभी इंडस्ट्री चालू रहेंगी। जो बड़े निर्माण कार्य हैं, बृहद निर्माण कार्य है, एक्सप्रेसवे का है, PWD के कार्य हैं, बाकी भवनों के कार्य हैं, जो निजी प्रोजेक्ट भी अगर है, बड़ा प्रोजेक्ट है, तो उनके कार्यों को भी कोई प्रभाव नहीं होगा। इसके अलावा यह भी आदेश दिया गया है कि जो भी कार्यालय हैं उन पर पूरी तरह से जो है बंदी रहेगी, लेकिन जो कार्यालय आवश्यक सेवाओं के हैं उन पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। ये आदेश भी दिया गया है कि अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, औद्योगिक प्रतिष्ठान और चौराहे चौराहे पर पब्लिक एड्रेस सिस्टम यानी लाउडस्पीकर लगाकर कोविड को रोकने के लिए, संचारी रोग के नियंत्रण के लिए एक प्रचार करा जाए, कैसेट लगाकर सबको सूचना दी जाए कि कैसे इन बीमारियों से बचा जा सके। पुलिस टीमों को अलर्ट किया गया है, UP 112 को अलर्ट किया गया है, मजिस्ट्रेट और पुलिस को एक साथ घूमने का निर्देश दिया गया है। और आपको मालूम है कि 75 जनपदों में वरिष्ठ अधिकारी, नोडल अधिकारी भी तैनात किए गए हैं। तो ये पूरा अभियान 3 दिन का चलेगा, जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज पूरा रिव्यू किया है और इसको आगे बढ़ाने का निर्देश दिया है। इस अभियान के दौरान जो है, जो स्वच्छता का जो एक पूरा मानक है, उसको तय करने का निर्देश दिया गया है,
सभी अधिकारियों से, कमिश्नर से, डीएम से, एडीजी से, आईजी से, डीआईजी से, एसएसपी से ये निर्देश दिया गया है कि अपना पूरा जी जान लगा कर कार्य करें और इस पूरे 3 दिन के अभियान में पूरा सहयोग दें। स्वास्थ्य विभाग इसको लीड कर रहा है, नगर विकास विभाग इसको लीड कर रहा है, बाकी विभाग इसको लीड कर रहे हैं, उनका भी जो है तेजी से काम होना है। टेस्टिंग की क्षमता के लिए जैसा कि अभी स्वास्थ्य सचिव साहब ने बताया, रैपिड एंटीजन टेस्ट को और बढ़ोतरी करने का, वहाँ लैब टेक्नीशियंस लगाने का, ट्रेन करने का भी निर्देश दिया गया है और प्रतिदिन 15,000 से अधिक रैपिड एंटीजन टेस्ट करने का निर्देश दिया गया है। आपको मालूम है जहाँ यूपी में टेस्ट की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है, हमारा प्रयास होगा कि पूरे देश में अग्रणी स्थान पर यूपी की टेस्टिंग की व्यवस्था लागू की जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक एक जो लैब्स हैं उनके और मजबूत करने का निर्देश दिया है। कानपुर, झांसी, वाराणसी की चिकित्सा व्यवस्था को मजबूत करने का निर्देश दिया है। सर्वेलेंस टीम को मजबूत करने का निर्देश दिया है। एम्बुलेंस सेवा को मजबूत करने का निर्देश दिया है और सर्वेलेंस टीम के रिजल्ट्स के आधार पर जो फॉलोअप है उसके लिए भी उन्होंने निर्देश दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पेट्रोलिंग पर विशेष बल दिया है और ये भी कहा है कि पुलिस की पेट्रोलिंग दिखाई दे, लोगों को लगे कि पुलिस जो है सड़कों पर पेट्रोलिंग कर रही है। हवाई अड्डों पर, रेलवे स्टेशन पर जैसा मैंने आपसे कहा, कोई प्रतिबंध नहीं होगा और उनके लोगों को आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। कल 11 तारीख को एक बड़ा अभियान स्वास्थ्य विभाग का शुरू हो रहा है जनसंख्या दिवस के अवसर पर, और उस पर विशेष रूप से जो है फोकस भी रहेगा और स्वास्थ्य विभाग इस पर कार्रवाई भी सुनिश्चित करेगा। मास्क लगाने पर मैं बताना चाहूँगा कि ₹500 का जुर्माना का आदेश जारी हो रहा है, तो हो गया है तो उसको जो है सभी फील्ड में भेज दिया जाएगा, पब्लिकली भी जो है उसका जो है उसको प्रचारित भी किया जाएगा। तो हर व्यक्ति मास्क जरूर लगाए, इसको इंश्योर करना है, और अगर मास्क नहीं लगाएंगे तो चालान हो जाएगा। तो चाहे बच्चों हो, चाहे बड़े हो, चाहे वो कोई सरकारी कर्मचारी हो, चाहे वो कोई भी किसी भी स्तर का व्यक्ति हो, यदि वो मास्क नहीं लगाएगा तो निश्चित रूप से कार्रवाई हो सकती है। विवाद के बीच में